करूंगा, किसी को अंधा करने दूंगा, मैं भी अपने साथ साथ अपने आस पास साफ सफाई करने में अपना योगदान दूंगा। मैंने पानी को बर्बाद करूंगा, किसी को अनिवार्य करने दूंगा। ग्रुप में यार हाथ लाट पीछे अनवर जी जी दरा मैंने सब फल पकड़ हुए काम दीजिए। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसे कार्यक्रम हर जगह होते रहे तो निश्चित तौर पर मथुरा नहीं पूरा भारत साफ हो जाएगा। हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर नेता को ये सोचना चाहिए कि सफाई से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। यद्यपि हम सफाई रखते हैं देश में तो हजारों बीमारियों से तो वैसे ही छुटकारा पा जाएंगे। और ये जो स्थान है, हम खड़े हुए हैं, ये चक्रतीर्थ घाट के नाम से है। यहाँ किसी जमाने में यमुना जी बहा करती थी, लेकिन आज भी यहाँ यमुना जी का जल आता है। और निश्चित तौर पर यहाँ काफी दूर दूर से जो पर्यटक गण आते हैं वो यहाँ आचमन करते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ एक भोले जी का मंदिर बना हुआ है, उसके दर्शन पाते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस पत्रकार का जिन्होंने यहाँ हमको बुलाया है। हमारे पूर्व विधायक प्रदीप माथुर जी भी यहाँ मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ, अनेक कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। अगर इस तरीके से अभियान चलते रहेंगे तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी भारत को मिलेगी। और इस अभियान के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश को बहुत आगे तक ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सफाई स्वच्छता अभियान जो भारत में चला रखा है, आप देख रहे होंगे कि भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है। मेरे सब देखा जाता है कि जिस तरह से सफाई के नाम की अगर बात की जाए तो सब निगम के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं, क्या हर इंसान को सफाई का जिम्मेदारी समझनी चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो लोग केवल निगम पर ठीकरा फोड़ते हैं वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय कर लोग होते हैं। ये हर व्यक्ति का कार्यक्रम है, हर व्यक्ति को सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए। केवल अगर निगम के ऊपर थोक दोगे तो निगम कहाँ का कार्य कराएगा। मैं मानता हूँ कि इस कार्यक्रम को लेकर हर व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए। कम से कम अपने दरवाजे की सफाई हर व्यक्ति कर लेगा तो एक दिन में ये भारत पूरा साफ हो जाएगा, ये मेरा मानना है। पत्रकार द्वारा जिस तरह से अभियान चलाया गया है, क्या मानते हैं? नहीं, बहुत अच्छा अभियान है और मैं सराहना करता हूँ कि अगर इस तरीके के अभियान चलते रहे तो निश्चित तौर पर हमारा भारत एक दिन स्वच्छ भारत है। समूह द्वारा अमृतम जलम कार्यक्रम के अंतर्गत ये चक्रतीर्थ घाट पे बने कुंड की सफाई अभियान को गति दिलवाई है और ये यमुना मिशन द्वारा ये कुंड बनाया गया है, क्योंकि यमुना जी यहाँ से काफी दूर हो गई है
तो यहाँ पर यमुना का शुद्ध जल यहाँ के स्रोतों द्वारा पंप के द्वारा निकाला जाता है और इस कुंड में जल भर के यहाँ इस तरह का संदेश जनता को एक भावनात्मक दृष्टिकोण से दिया जाता है कि ये यमुना जल ही है। और वाकई में ये जल जो आता है यमुना की तलहटी में यमुना जल ही स्रोतों से आता है। मैं इस कार्यक्रम के जागरूकता अभियान के लिए बधाई देता हूँ। इन्होंने मुझे बुलाया, यहाँ के मेयर साहब को बुलाया, यहाँ की तमाम जनता और स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। यदि इस तरह के कार्यक्रम होते रहें तो मैं समझता हूँ कि मथुरा के कुंड और मथुरा में एक सफाई अभियान को नई गति मिलेगी और कुंड भी साफ होंगे और लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी।